शाहीन चाहे कोई भी हो, पर कोई भी शाहीन किसी दूसरी शाहीन का पिन नहीं सह सकती। तब के रिश्ते अब कहाँ। एकाएक मैंने महसूस किया कि मैं शाहीन को देखने को भी शायद महसूस नहीं करता था। उसके खास तरह से देखने पर भी मन पर कुछ ज्यादा नहीं बीतता। उसकी नजर का असर और सम्मोहन बहुत गहरा और भयानक रहा है मुझ पर। लेकिन अब तो सब मुर्दा झील की तरह है, पानी जैसे सूखा नहीं, मर गया है। लेकिन तब भी उसकी आंखों में कुछ मछलियां तैर रही थी। आमीन। मरे और टूटे हुए लगाव सबकी गवाही, एक खामोशी, रुक रुक कर सांस लेता हुआ सन्नाटा। कितना चौकन्ना रहना पड़ता है हमें। जरा सी बात का कोई सूत्र हमें सघन क्षणों में जोड़ सकता है। ऐसे में अजनबी बनकर रहना कितना कठिन है। कई नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे पल हो सकते हैं जिनके छोर पकड़कर हम लौट सकते हैं। ऐसे पल और प्रसंग टूटे हुए संबंधों का सन्नाटा तोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर बात का रुख मोड़ दिया। अच्छा, एक बात बताओ शाहीन। क्या लोग पाकिस्तान जाते हुए रोते क्यों हैं? लोग भारत आते हुए भी तो उसी तरह रोते हैं। शायद उन्हें भारत या पाकिस्तान छोड़ने का दुख होता है, मैंने कहा। नहीं, उन्हें सिर्फ एक दूसरे को छोड़ने का दुख होता है, शाहिन ने कहा। पता नहीं क्यों और कैसे हमारी दुनियावी बातों में से व्यक्तिगत कोण और नुक्ते निकल आते हैं। ये जो एक दूसरे को छेड़ने का जुमला हमारे बीच चलता रहता है, ये कई पल हमारे बीच ठहर कर रह गया। बात तो कहीं और की थी, पर वो पर्सनल सी बन गई थी। आखिर शाहिन ने उस ठहरे हुए पल को संभाला। मैं इतने बरसों बाद भारत आई तो उतरते वक्त बहुत नर्वस थी। मेरे दांत में बहुत तेज टीस उठी। कहते कहते शाहिन जैसे खुद अपने ही जाल में मछली की तरह फंस गई। उसे याद ही नहीं रह गया था कि जिंदगी और दांत का दर्द एक सा होता है। उम्र, मुल्क या साथी बदल जाने से दांत के दर्द की वजह या जिंदगी का रवैया नहीं बदलता। 18 साल की शाहीन जब अलीगढ़ से दिल्ली होती हुई पहली बार आई थी, तब भी यहां उतरते ही उसके दांत में तेज टीस उठी थी और उसे एयरपोर्ट से सीधे डॉक्टर के पास ले गया था। फिर बाद में हमारे शादीशुदा दिनों में उसने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि दांत के उस दर्द ने ही पहला सबूत दे दिया था कि तुम मेरा कितना ख्याल रख सकते हो। शाहीन का वो दर्द असल में दर्द ही नहीं जो बार बार उठे, दर्द तो वही जो बार बार उठता है। लेकिन मैं इस बात को कह नहीं पाया। तभी फोन बज उठा। इतनी सुबह, हमेशा शाहीन ही मेरे ऊपर टिककर सुबह का फोन उठाया करती थी। कुछ देर घंटी बजती रही, कुछ देर हम दोनों के बीच के पल जिंदा होकर थम रहे। आखिर मैंने फोन उठाया। इंटरनल फोन पर आपा बोल रही थी। शाहीन तुम्हारे पास है? नहीं तो आपा, मैं झूठ बोला। कमरे में तो नहीं है? तो बाथरूम में होगी शायद। हाँ शायद, या फिर सुबह उठकर कंपाउंड में टहलने निकल गई होगी, क्या पता। ये नया शौक हो सकता है उसका।
चाय के लिए बोल दो आपा, तब तक आ जाएगी। मैंने फोन रख दिया। झूठ भी तरह तरह की सच्चाइयों से ज्यादा उजागर होता है, या सच्चाइयों को उजागर कर देता है। झूठ के इस दौर का शाहिन ने अच्छा इस्तेमाल किया था। उसने सिरहाने रखे गिलास में बासी पानी डालकर डिस्प्रिन खा ली थी। अपनी चाय मंगवा लीजिए, मैं सुबह की चाय आपा के साथ लूंगी, शाहिन ने कहा। अब किचन में इंटरनल फोन नहीं है, नौकरों वाली बैरक में भी नहीं। अब वे अपने वक्त के मुताबिक चाय लाते हैं, मैंने उसे बताया। ओ, शाहिन बोली, जैसे उसके मन को हल्का सा धक्का सा लगा। मेरे हुए पानी में दोनों मछलियों ने फिर एक करवट ली। तब इंटरनल फोन लगवाने की धुन शाहीन पर सवार थी, लेकिन अब वक्त की जंजीरें टूट चुकी थी। हम दोनों के बीच से आजाद होकर वो उसी दिन कहीं चला गया था जिस दिन शाहीन दूसरी शादी करके पाकिस्तान चली गई थी। अब हमारी अदालत में पूरी यादें बयानों के रूप में निकलती है, पर गवाही देने वाला वक्त नामौजूद था। सुबह सुबह हमारे बीच एक कब्रिस्तान सा फैल गया था। मुर्दों के बीच वक्त का कोई वजूद नहीं होता, वहां वक्त होता ही नहीं। शाही नीचे चलने लगी तो मैंने इतना ही कहा, देख लेना आपा सामने नहीं पड़ी। मरे हुए पानी में मछलियों ने एक करवट फिर ली और शाहीन पराए पैरों से सीढ़ियां उतर गई। वो कमरा जो शाहीन की महक से भरा रहता था, उसमें आज एक कतरा भी महक का वो छोड़ नहीं पाई थी। सीढ़ियों की खिड़की से आने वाली धूप में उसके साथ उसकी परछाई भी नीचे उतर गई थी। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए इसी कहानी का अगला पार्ट।